बढ़ेंगे अब एक और बड़ी जानकारी आपको नेपाल से जुड़ी हुई दे दे। दरअसल नेपाल से जो खबर सामने आई है ये कहा जा रहा है कि वहां पर भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। दरअसल भारी बारिश की वजह से फिलहाल जो नेपाल में नदियां हैं वो उफान पर बताई जा रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको नेपाल से जुड़ी हुई दे रहे हैं जहां पर जो नदियां हैं वो उफान पर चल रही हैं और भारी तबाही का मंजर फिलहाल नेपाल में बना हुआ है। लगातार प्रशासन के तौर से मदद के हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन कोशिशें जारी हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को वहां से फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों ओर आप जहां तक भी नजर दौड़ाएंगे तो घुटनों भर तक पानी यहां पर जमा है। लोग किस तरीके से परेशानियों का सामना यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप इन तस्वीरों में ध्यान दीजिए, आप देख पाएंगे कि कैसे यहां बारिश की वजह से लोग बारिश के पानी में से होकर के गुजरने को तैयार मजबूर है और साथ ही साथ इनके घरों में भी पानी अब घुसता हुआ नजर आ रहा है। ठीक रूप से नुकसान जैसे मान यहाँ बाढ़ का पानी जो है 5 से 6 बजे सुबह घुसा है और सुबह से लोग मान के चलिए यहाँ जो है भोजन पानी बनाने के लिए एकदम बिल्कुल परेशान है। गाँव में पानी घुस गया है और ये लक्ष्मी नगर ग्राम सभा में श्याम काट और तिसुरी खजुरिया सेमरा ये सब गांव जो है काफ़ी प्रभावित है। खजुरिया सर ये तो रोहिणी नदी है नेपाल से बह करके आ रहा है और खजुरिया गांव है, सामकाट है और इधर पिपरहिया है, सेमरा है, इधर रहरा और ये परसा शिमाली है। इस बाढ़ से जो है फसल भी नुकसान हो रहा है। अभी तक तो कोई प्रशासन नहीं आया है। अभी गांव में पानी लमसम 6 बजे घुसा है और लोगों को ये खाना बनाने में दिक्कत हो रही है और फसलें नुकसान हो रही है। बाकी किसी को आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है अपने घर में, मतलब पानी भर चुका है घर में भी खाना बनाने। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए इंटर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।